नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 4, टिक टिक टिक। चिल्ड्रन, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी कंप्लीटेड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 47। द टॉपिक वाज हॉलीडेज आर फन। तो वहां पे हमने डेज काउंटिंग किए थे। टू कजिन्स थे, आतिफ एंड शबाना। वो दोनों एक दूसरे को लेटर राइट कर रहे थे, उसमें डेट्स दी हुई थी। हमने टू टाइप से डेट्स राइट की थी एंड हमने डेज काउंट किए थे कि कितने दिन नानी के घर पे रहेगी। फिर टेबल दिया था, वो फिलअप किया था फ्रॉम और टू का। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम और टू वाला टेबल कंप्लीट कर लिया था, डेज काउंट किए थे। ओके, और ये वाली जो मेथड जनवरी फरवरी मार्च डेज काउंटिंग वाली मेथड वो हमने सीखी थी। ओके, नाउ हियर वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ हॉलीडेज आर फन। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 48। चलो अब 48 पेज नंबर पर क्या है वो हम रीड करते हैं। ओके, आप भी मेरे साथ में रीड करेंगे। नाउ put your finger on first line. On 15 May 2017, Chandran went to a shop to buy butter. अब देखो यहाँ पे चंद्रन नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है, बटर लेने जा रहा है। कब जा रहा है, वो डेट दी है 15 May 2017। ओके, नाउ नेक्स्ट ही चेक्ड द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बटर जो होता है उसके पीछे डेट चेक करा है कि ये बटर खाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, ईट वॉज रिटर्न ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 28 days फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। तो यहाँ पे देखो क्या राइट करके दिया है, बेस्ट बिफोर 128 days फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। तो यहाँ पे जो पैकिंग की डेट होगी, ठीक है, पैकिंग की डेट भी वो बटर में लिखी ही होगी। उसके बाद में जो जब बटर बना है, जिस दिन उसकी पैकिंग हुई है, उसके बाद 180 days तक बटर को खा सकते हैं। ठीक है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। नाउ नेक्स्ट, देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग। तो चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या कर रहा है, वो डेट पैकिंग डेट है वो राइट देख रहा है बटर में। ठीक है, इट वॉज 15/1/17। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, MFG डेट। ओके, तो वो बटर की डेट कौन सी है, 15/1/2017। इट मीन्स के 15 डेट है, मंथ वन, वन मीन्स के जनवरी फर्स्ट मंथ। ओके, इन ईयर में 2017, 15 जनवरी को ये बटर पैक हुआ था। ओके, एंड 180 डेज
तो आप चेक करते हो ऐसे डेट चंद्रन के जैसे, अगर नहीं करते तो आप शुरू कर दीजिए। ओके नाउ नेक्स्ट, हैव यू सीन मेडिसिंस व्हिच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहे कि क्या कभी आपने एक्सपायरी डेट देखी है, मेडिसिंस में भी होती है, चेक की है कभी आपने, अगर की हो तो आप आंसर राइट करेंगे यस, और नहीं की हो तो नो। ओके और नहीं कर रहे तो आगे से करेंगे, ठीक है, चेक करना कंपलसरी है। ओके नाउ नेक्स्ट, इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। तो जो एक्सपायरी डेट होती है उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो मेडिसिन है वो ये डेट तक ही अच्छी है, उसके बाद में हम ये मेडिसिन नहीं ले सकते, वो हमारे बॉडी के लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें सारी जो प्रोडक्ट्स हम बाजार में से खरीदे उसमें चेक करना चाहिए कि MFG डेट इट मीन्स के मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है और एक्सपायरी डेट कौन सी है, ठीक है, वो कंपल्सरी हमें चेक करना चाहिए, बाद में ही चीजें खरीदनी चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फाइंड आउट। तो फाइंड आउट में क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, वो हम वन बाय वन रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके लेट्स रीड द फर्स्ट वन। ओके फर्स्ट वन रीड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। तो आपने कौन कौन सी चीजें देखी है जो एक्सपायरी डेट, उसमें एक्सपायरी डेट राइट की होती है वो बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटर्न MFG डेट 717 सेवेंथ मंथ है, कौन सा मंथ होगा, जुलाई मंथ। ओके एंड 17 मीन्स के ईयर है 2017। ओके देन नेक्स्ट, दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2017। ओके नाउ नेक्स्ट, एक्सपायरी डेट 718। तो 718 मीन्स के जुलाई मंथ और 2018 इट मीन्स के वन ईयर तक ये जो कफ सिरप है वो हम पी सकते हैं, एज ए मेडिसिन हम ले सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट, दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं कि ये मंथ के एंड तक ये ईयर में आप ये जो मेडिसिन है कफ सिरप है वो ले सकते हैं। ओके यहाँ पे देखो, आपको मैग्नीफायर ग्लास से आपको दिखाया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, एमएफजी डेट और एक्सपायरी डेट। ओके नाउ नेक्स्ट, व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 718। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि आप 718 यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट दिए 07-18, तो आप इसको कैसे राइट करोगे, मंथ और ईयर में राइट करना हो तो जो ये 7 है वो मंथ है तो हम क्या राइट करेंगे, जुलाई। ओके देन नेक्स्ट, ईयर क्या है, 18 फुल ईयर
होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेसिकली हमें क्या सीखना है, टाइमिंग देखना सीखना है। तो आप बोलोगे कि हमने प्रीवियस वीडियो में तो देख लिया टाइम देखना, राइट। तो अब फिर से वही करना है, बोरिंग होगा, ठीक है। मैं इसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे हम पहले तो हमने जो क्लॉक देखना सीखा, राइट, वो तो क्या था, 12 आवर्स की क्लॉक थी, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या सीखना है, 24 आवर्स की क्लॉक देखना सीखना है। आपको पता ही है कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी क्लॉक आती है जो 24 आवर्स काउंट करे, ठीक है। तो वो क्लॉक देखना हमें आज सीखना है ये कॉन्सेप्ट में, ओके। नाउ हियर लुक एट पेज नंबर 49 पेज नंबर ओपन करो अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे टप्पू की पूरी स्टोरी दी है, ठीक है, वो मैं रीड कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ में रीड करेंगे। टप्पू स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडे, ही वेंट टू हिज ग्रैंडमास प्लेस, ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन्स देयर, ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वांट टू गो बैक होम। तो यहाँ पे एक जो टप्पू नाम का लड़का है, ठीक है, उसका समर वेकेशन है और वो अपने ग्रैंड माँ के घर पे गया है और वहां से रिटर्न जाने का टाइम हो गया है घर पे, तो उसको नहीं पसंद है, उसको नहीं जाना है कि यहाँ तो कितना मजा आ रहा है, फन है, ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता, इसे वो सोच रहा है, बोल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये जो है वो टप्पू की मम्मा है, ठीक है, वो क्या बोल रही है, टप्पू पैक योर बैग, ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रही है टप्पू की जो मम्मा है, चलो अब जल्दी से बैग पैक करो, 5:30 को ट्रेन लीव हो जाएगी, मिस हो जाएगी, जल्दी करो, ऐसा बोल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टप्पू देखो क्या बोल रहा है, ओह नो, वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस अवर ट्रेन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतनी जल्दी जा रहे हैं, थोड़ी लेट हो जाए तो ट्रेन मिस हो जाए तो कितना मजा आए, थोड़े दिन यहाँ पे बिता ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टप्पू एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन 8:15, बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टप्पू और उसकी फैमिली तो 5:15 को ही पहुंच रहे हैं, ठीक है, ट्रेन तो कब होने आने वाली थी, जाने वाली थी 5:30 को, 15 मिनट्स वो जल्दी पहुंच रहे तो भी ट्रेन मिस हो जा रही है, सोचो क्यों, गेस करो क्या किया होगा, टाइमिंग सुनने में मिस्टेक कर दी होगी, सुबह का टाइम होगा, शाम को वो जा रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रेन वहां पे होगी, नहीं होगी, यहाँ पे भी यही हो रहा है, वो टाइम देखने में मिस्टेक कर रहे है, तो अब क्या होगा, टप्पू तो बहुत खुश होगा कि ट्रेन तो मिस हो गई, ओके। नाउ देखो प्लेटफॉर्म नंबर 4, और यहाँ पे देखो टप्पू क्या कर रहा है, टप्पू तो डांस कर रहा है, क्या बोल रहा है, हुर्रे, दैट मींस आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे। तो ये खुश हो रहा है, मैंने आपको कहा ना कि वो तो खुश होगा, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, एकदम से हैप्पी हो रहा है कि चलो अब और एक दिन मिल गया नानी माँ के घर पे रहने का, ठीक है। नाउ लास्ट लाइन, कैन यू गेस व्हाई दे मिस्ड द ट्रेन। तो क्या आप गेस कर सकते हो, यस मैं तो कर सकती हूँ और आप भी कर सकते हो, टाइम देखने में मिस्टेक की है इसलिए ट्रेन मिस हो गई है, ओके। नाउ पेज टर्न करिए 50 पेज नंबर, लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन, एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट 5:30 इन द मॉर्निंग। मैंने कहा था ना ये कब गए थे, इवनिंग में, टाइम कब का था, मॉर्निंग का, ओके। तो ट्रेन वहां पे होगी, नहीं होगी। टप्पूज पेरेंट्स वेर अपसेट, दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। तो यहाँ पे टप्पू के पेरेंट्स जो है वो अपसेट है और वो ट्रेन मास्टर को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, अवर टिकट सेज 5:30। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 5:30 की टिकट थी, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर आंसर देंगे, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो ये क्लियर कर रहे हैं कि मॉर्निंग का टाइम दिया है। ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगॉट दैट, मैं तो भूल ही गया, ऐसे टप्पू के पापा कहते हैं, द रेलवे विल राइट 7:13
4:30 इन द इवनिंग। तो रेलवे में 24 आवर्स की क्लॉक यूज होती है। यहाँ पे वो क्लियर बोल रहे हैं कि रेलवे में जब शाम के 5:30 हो गए तो वहां पे रेलवे में 17:30 लिखा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाई, बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक। ओके, तो वो 24 आवर की क्लॉक यूज करते हैं इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आपने राइट किया 24 आवर की क्लॉक। कैसे आपको समझनी है वो, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहले तो एम और पीएम, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एम मीन्स की रात के 12 बजे से सुबह के नून के 12 बजे तक, और पीएम मीन्स के दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। टू पार्ट से क्लॉक डिवाइड होती है 12 आवर्स की। ठीक है, चल अब यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। एएम, एएम से हमारा डे शुरू होता है, काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आवर्स में 12 to 1 आवर होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैंने यहाँ पर 12 तक लिखे हैं नंबर्स, तो 12 आवर्स होगी। ठीक है, फिर क्या करना है हमें यहाँ पे फिर से टाइम काउंट करना है। तो 1 o'clock रात को होगी तो 1 hour। ओके, ठीक है, वैसे 12 तक तो यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा। दोपहर के 12 बजे तक आवर्स भी सेम होगी और जो हम टाइम देते हैं वो भी सेम होगा। ठीक है, अब चेंज कहाँ से होगा, यहाँ से। ठीक है, जब 30 नंबर होगी तब हमारे क्लॉक में 1 hour हो गया। ठीक है, 1 o'clock होगा। वैसे मैंने राइट करके रखे हैं 14, 15, 16 टू कंप्लीट करके 24 आवर्स यहाँ पे राइट करके रखे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ से काउंटिंग करना है। 12 o'clock हो गए, 12 आवर्स कंप्लीट हो गए, 12 o'clock हो गए। अब देखो 30 नंबर पे क्या हो रहा है, 1 o'clock, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे 12 o'clock फिर से हमारे मीटिंग में होंगे, तो क्या होगा, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपको इसे आवर और टाइम देखना सीखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, लुक एट दिस चार्ट। तो यहाँ पे आपको ये जो चार्ट दिया है वो देखना है। ठीक है, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। तो यहाँ पे ये आपको चार्ट दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 20 यहाँ पे पहले जो दिया है फर्स्ट कॉलम में वो क्या है, 12 आवर की क्लॉक है। यहाँ पे आपको फिलअप करना है 24 आवर की क्लॉक में। ओके, कम हियर, आई ड्रॉ अ टेबल फॉर यू। ओके, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करके रखा है। कम हियर, फर्स्ट वन 1 o'clock आफ्टरनून, तो 1 o'clock आफ्टरनून को यहाँ पे आप आंसर दिए हैं 30 आवर्स। ओके, देन नेक्स्ट 2 o'clock आफ्टरनून, तो यहाँ पे आंसर आया 40 आवर्स। ओके, आफ्टरनून मीन्स के जो पीएम वाला कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट 12 आवर्स कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट जो 12 आवर्स आ रही है उसकी काउंटिंग चल रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट 3 o'clock, तो 3 o'clock में यहाँ पे आपको प्लेन दी है। ठीक है, तो 1 hour 1 o'clock 30, 2 o'clock 40, तो यहाँ पे 3 o'clock 15, ओके, देन नेक्स्ट 3:30 o'clock, तो यहाँ पे 15:30 और ओके 15 hour 30 minutes। ओके, देन नेक्स्ट 6 o'clock इन द इवनिंग, तो 3 hours 15 hours, राइट, 3 o'clock मीन्स के 15 hours, और बाद में आपको पूछा है 6 o'clock, तो 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे आंसर रहेगा 18 आवर्स। ओके, देन नेक्स्ट 9 o'clock, तो 6 to 9 में फिर से 3 hours, तो यहाँ पे 18 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, 19, 20, 21 3 hours, सो वी आर टू हैव राइट आंसर 21 hours। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन 12 o'clock मिडनाइट, तो रात के 12 बजे 12, 24 hours कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो वी आर इन राइट आंसर 00 hours, क्योंकि वहां से हम आवर्स जो है वो काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी राइट कर सकते हैं 24 hours। ओके, 24 आवर्स मिडनाइट को कंप्लीट हो गए, फिर से हम काउंटिंग शुरू।
you tell why a 24 hour clock is called so? Yes, we can say 24 hour clock because it shows time for whole day. Whole day ka time batata hai. Okay. Next question. Suppose a train leaves at 8:30 at night. The time return on the railway ticket would be. तो देखो यहाँ पे हमने पहले ही सीख लिया कि ट्रेन जो है वो जो हम जाते हैं रेलवे स्टेशन वहां पे 24 आवर्स की क्लॉक होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रात के 8:30. ओके, तो हम यहाँ पे आवर्स काउंट करेंगे बिकॉज 24 आवर की क्लॉक रेलवे स्टेशन में यूज होती है. ठीक है, तो 8:30 होंगे रात के, तो रेलवे स्टेशन की जो क्लॉक है उसमें टाइम होगा क्या होगा, 20:30 आवर्स. इट मीन्स के 20 आवर्स एंड 30 मिनट्स ऊपर हुई होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये क्या बोल रही है टप्पू की मम्मा. ओके, इन अ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे. तो 12 आवर की क्लॉक में जो टाइम होता है वो 2 टाइम्स आता है. ठीक है, रात के 12 बजे, सुबह 12 बजे, नून के 12 बजे, शाम के 5:30, मॉर्निंग के 5:30. ओके, ये बोल रही है. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून. तो देखो 12 आवर्स कंप्लीट होगी नून में तो वहां से हम कन्वर्ट कर देंगे एएम को कहां पे, पीएम में. ओके, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज अबाउट 12:30, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, 12:30 PM. ओके, और 30 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है इसलिए. ओके, देन नेक्स्ट दैट इज 12:30 PM. आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल midnight. तो यहाँ पे देखो मैंने बोला वही ये जो टप्पू की मम्मा है वो बोल रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट You must have noted the time of sunrise and sunset. तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि टाइम नोट करना है सनराइज एंड सनसेट का. ओके, और यहाँ पे आपको टेबल दिया है उसमें आपको टाइम राइट करना है. ओके, हियर आई राइट 5:30 AM सुबह होगी 5:30 को, शाम होगी सनसेट होगा 6:30 PM को. ओके, यू कैन राइट योर ओन आंसर ऑल्सो. ओके, देन लास्ट वन, वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड. तो अब आपको यहाँ पे ये पूछे है कि आपने कोई ऐसी जगह देखी है, प्लेस देखी है जहाँ पे 24 आवर की क्लॉक यूज होती हो. यस, मैंने तो देखी है, तो मैंने यहाँ पे आंसर राइट किया है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड बस स्टैंड, ये 3 प्लेस पे मैंने देखी है तो मैंने राइट किया है. आप भी अपनी चॉइस से आंसर राइट कर सकते हैं कि कोई भी प्लेस पे आपने देखी हो तो राइट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये 24 आवर की क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट ओवर हुआ. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक. ओके, नाउ हियर आवर चैप्टर 4 इज ओवर हियर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, वीडियोज देखिए, रिवाइज करिए और जो क्वेरी है, डाउट है वो सॉल्व करिए. ओके, एंड टेक्स्ट बुक फिलअप करिए. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल दिस कॉन्सेप्ट. वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.